हूं आपके साथ राखी लांबा। बस कुछ ही घंटों में चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरने वाला है। पूरा देश पलके बिछाकर इसका इंतजार कर रहा है। पूरा देश इस मिशन के सफल होने की कामना भी कर रहा है। जैसे जैसे ये शुभ घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे देशवासियों के एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स भी चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये मिशन जल्द ही सफल हो जाए। फिलहाल पूरा देश प्राउड मोमेंट फील कर रहा है। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने इस खास मौके पर अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर किया। हेमा मालिनी ने चंद्रयान 3 को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। हेमा मालिनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्पेस से चंद्रयान की फोटो शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने इसे लेकर अपना रिएक्शन भी दिया। हेमा मालिनी ने लिखा, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए हैप्पी एंडिंग की कामना। अब जल्द ही चंद्रयान 3 चांद पर लैंड करने जा रहा है। ये हमारे देश के लिए गर्व का क्षण है और सारे देशवासी इस मौके पर चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखा आपने, मोदी की सांसद हेमा मालिनी ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए कामना की है। वैसे हेमा मालिनी के अलावा हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी चंद्रयान 3 को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। करीना ने हाल ही में एक इवेंट में कहा कि वो चंद्रयान 3 को लेकर काफी प्राउड मोमेंट फील कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसे देखने की भी प्लानिंग की है। करीना ने खुलासा किया कि वो इसे अपने बच्चों के साथ देखेंगे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडिया एंड अ ग्रेट अ प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। द काइंड ऑफ यू नो यू फील दैट प्राइड इन योर हार्ट एंड एज एन इंडियन ऑल ऑफ अस आई थिंक राइट नाउ वी आर वेटिंग टू वॉच इट। लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी ग्लूड वॉचिंग इट and I'm going to be doing that with my boys as well, with bated breath. आपको बता दें कि देश के साथ पूरी दुनिया की नजरें फिलहाल चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। चंद्रयान 3 भारत का इतिहास रचने में कुछ ही घंटों की दूरी पर है। बताया जा रहा है कि 23 अगस्त को शाम करीब 6:04 पर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर उतारा जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी देश को संबोधित करेंगे। अमेरिका, रूस, चीन के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा। लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश होगा। वैसे आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, हाँ, ये जो डी बूस्टिंग मैनूवर्स है, रेट्रोफायरिंग से भी कहते हैं, वो है कि ये पूरे स्पेसक्राफ्ट को धीमा किया जा रहा है। वो बहुत तेज चल रहा है, वो धीरे धीरे दो कार्य हो रहा है। एक तो उसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में लाने की कोशिश, और अभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में था, अभी वो और एलिप्टिकल ऑर्बिट में आ गया है, जिसमें उसका पेरिजी जो है, यानी कि चंद्रमा से सबसे पास वाला वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो 25 किलोमीटर ही दूर है। और इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उसे चंद्रमा के और पास लाया जा रहा है कि वो 23 अगस्त को ठीक तरह लैंड कर सके। लेकिन ये है कि ये बहुत ही हाई प्रसिशन वो है, ये बहुत ही हाई प्रसिशन मनूवर्स है, और अगर कुछ भी गलती हो गया फिर वो और गलती हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, और 23 को हम देखेंगे कि ये ठीक तरह ये लैंड करेगा।